देवरिया में मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबकर पति पत्नी और एक मासूम की मौत हो गई है। आज सुबह पुराना मकान भरभराकर गिरा है। लगातार बारिश घर गिरने की बड़ी वजह बनी है। सदर थाना क्षेत्र के अंसारी रोड पर यह हादसा हुआ है। एसडीएम सहित जिले के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन कर शवों को बाहर निकाला गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तीन लोगों की जान चली गई है घर गिरने की वजह से। पति पत्नी और एक मासूम की मलबे में दबकर मौत की खबर है। आज सुबह पुराना मकान भरभराकर गिर गया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश होने की वजह से यह घर कमजोर हो गया था और अचानक आज सुबह ये भीषण हादसा हो गया जिसमें तीन लोगों की जान चली गई है। पति पत्नी और एक मासूम बच्चे की इस हादसे में मौत हुई है। सदर थाना क्षेत्र के अंसारी रोड पर यह हादसा हुआ है। एसडीएम सहित जिले के अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन कर शवों को बाहर निकाला गया है। तो देवरिया से बड़ी खबर, देवरिया में मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। तीन लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। मलबे में दबकर पति पत्नी और एक मासूम की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के चलते मकान कमजोर हो गया था, जर्जर हो गया था और आज सुबह ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें तीन लोगों की जान चली गई है। पति पत्नी और एक मासूम बच्चे की मौत हुई है। फिलहाल मौके पर तमाम वाला अधिकारी मौजूद है। रेस्क्यू कार्य तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए देवरिया से। संदीप, किस वक्त ये हादसा हुआ है और फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर? जी, आपको बता दें ये घटना सदर कोतवाली अनसाइड रोड की है जहां पर एक दो मंजिला मकान जो कि काफी जर्जर थी आज भोर में गिर गई, जिसमें पति पत्नी और उसके 2 साल की मासूम बच्ची थी मलबे में दब गए। एक बुजुर्ग महिला को वहां पे सकुशल निकाल लिया गया और इस घटना के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जिसमें लगभग 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों शव को बाहर निकाला गया है। अभी तीनों शव को निकाल दिया गया बाहर। जी, और जो मकान भरभराकर संदीप गिरा है उसमें कितने लोग मकान के अंदर मौजूद थे, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? जी, आपको बता दूं मकान में कुल 4 लोग थे जिसमें एक बुजुर्ग महिला थी उसको बाहर निकाल लिया गया, 3 लोग दब गए थे जिनकी मौत हो गई है। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पति पत्नी और एक 2 साल की मासूम बच्ची की इस हादसे में मौत हो गई है। मकान में कुल 4 लोग मौजूद थे, एक बुजुर्ग महिला थी जिसे बाहर निकाल लिया गया है। तो बड़ा हादसा हुआ है देवरिया में, मकान गिरने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है।